नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों के साथ। उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर कसा तंज, बोले शिवसेना के बागी विधायक पानी का बबूला है, फोड़ने के लिए महज एक पिन की जरूरत। जम्मू के सिधरा इलाके में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। मेरी फोटो दिखाकर लेते हैं लोधियों से वोट, उमा भारती बोली, मैं नहीं कहती कि तुम भाजपा को वोट करो, खुद निर्णय लो। सीएम शिंदे 865 विवादित गांवों को महाराष्ट्र से मिलाएंगे, कर्नाटक सीएम बोले राज्य की 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। बूस्टर के बाद नहीं ले सकेंगे नेजल वैक्सीन, कोविन में 4थी डोज नहीं, दूसरे देशों में 4-5 वैक्सीन लेने वाले भी संक्रमित हो रहे। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्रों ने लहराया तमंचा, विश्वविद्यालय में कश्मीरी और गाजीपुर के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल। बदायूं में युवक ने गोली मारकर की आत्महत्या, साथी को पुलिस ने लिया हिरासत में, होटल में अपने साथी के साथ ठहरा था युवक। बांदा में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 की मौत, 1 घायल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू पहुंचाया गया। बुलंदशहर में बाग में गर्दन कटी, शव मिलने से सनसनी, मृतक की अब तक नहीं हुई शिनाख्त। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप, आईआईटी के छात्र की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, कोलकाता से लौटा था छात्र। अमेरिका में कमला हैरिस के घर के बाहर 130 प्रवासी छोड़े, व्हाइट हाउस ने कहा शर्मनाक। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन का फैसला, यूरोपीय देशों को होने वाले तेल निर्यात पर वैन का आदेश। कोरोना को लेकर और भ्रम फैलाएगा चीन, महीने में सिर्फ 1 बार जारी करेगा आंकड़े। फिलीपींस में क्रिसमस के दिन हुई बारिश और बाढ़ से 13 लोगों की मौत, 23 अब भी लापता। महिलाओं पर लगे प्रतिबंधों को तुरंत हटाया जाए, तालिबान को यूएनएससी की खरी खरी गुटरेस बोले ये मानवाधिकार का उल्लंघन। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक को T20 की कमान, वनडे में रोहित ही रहेंगे कप्तान। पाकिस्तान पहली पारी में 438 रन पर ऑल आउट, आगा सलमान का पहला इंटरनेशनल शतक। निकोलस पूरन के आने से बेहद मजबूत हो गई है लखनऊ की टीम, खिताब जीतने की है प्रबल दावेदारी। December को होगी CAC की बैठक, जनवरी के पहले हफ्ते में घोषित हो सकती है टीम इंडिया की नई चयन समिति। BCCI ने बना लिया है फ्यूचर प्लान, हार्दिक को बनाया वनडे में उप कप्तान, तो सूर्य कुमार को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। सर्कस के फ्लॉप होने से मुश्किल में रणवीर का करियर, ट्रेड एक्सपर्ट्स बोले करियर का बुरा दौर है लेकिन वापसी नामुमकिन नहीं। कोविड के चलते 3 फिल्में बंद हो गई, भुवन वाम बोले खुद से ढिंढोरा बनाया, सफल होने के बाद भी ऑडिशन में ही मिला काम। यूरोप में हंसिका मोटवानी ने चलाया ई स्कूटर, फैंस ने की हंसिका की राइडिंग स्किल्स की तारीफ। हनी सिंह ने की गर्लफ्रेंड टीना के बारे में बात, बोले टीना को अपनी लाइफ में लाने के लिए मुझे महीनों तक उनका पीछा करना पड़ा था।
गांधी गोट से एक युद्ध फिल्म का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। 9 साल बाद राजकुमार संतोषी ने डायरेक्शन में की वापसी। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।